नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांशी और आप देख रहे हैं सिनेस्थेटिक्स। कुंडली भाग्य में करण प्रीता से पूछता है कि क्या वह उसकी नब्ज महसूस कर सकती है और उसे बताती है कि वो मर चुका है क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वह कहता है कि वह केवल इसलिए जिंदा था क्योंकि वह उसे हर सांस से प्यार करता था। करण कहता है कि अगर उसे याद नहीं है कि वह कौन है तो वो जा सकती है और वो आज के बाद उसके पास कभी नहीं आएगा। प्रीता करण से पूछती है कि वह किसी से इतनी गहराई से कैसे प्यार कर सकता है। प्रीता और करण एक दूसरे को घूरते हैं जबकि हर कोई मुस्कुराता है। राखी कहती है कि वे हमेशा से ही ऐसे थे। निधि शौर्य से कहती है कि प्रीता को इस घर में नहीं आना चाहिए। शौर्य उसे बताता है कि वह प्रीता से प्यार करता है और उसका सम्मान करता है और उसे परिवार में स्वीकार करेगा। निधि उसे चिल्लाने लगती है। जब प्रथम के बुलाने पर करण चला जाता है तो निधि लड़खड़ा जाती है। उसकी कल्पना से निधि डर गई है और प्रीता को लुथरा हाउस में वापस नहीं आने देने का संकल्प लेती है। इस बीच प्रीता दलजीत को बधाई देती है जो अच्छी खबर की घोषणा करती है। दलजीत को कहानियां सुनाने के बाद गुरप्रीत ने उसे यह न्यूज शेयर की है करने के लिए कहा है। दलजीत खुशी खुशी शनाया और शौर्य की शादी की घोषणा करती है। प्रीता शौर्य का नाम सुनकर रोमांचित हो जाती है और दलजीत को बधाई देती है, लेकिन राजवीर उससे कहता है कि वो शनाया को उससे शादी ना करने दे। दलजीत परेशान हो जाता है क्योंकि राजवीर शौर्य की आलोचना करता है और पूछता है कि क्या वह शनाया से प्यार करता है। करण प्रथम को सूचित करता है कि उनके पास प्रीता के बारे में जानकारी है जो उसकी मदद कर सकती है। प्रथम ने यह सुनने के बाद कि उसे प्रीता के बारे में पता है, कल रात तक राजवीर को उसका नंबर, तस्वीर और पता भेजने का आदेश दिया है। निधि जो छिपकर बात कर रही है, चिंतित है कि तुरंत अपनी योजना शुरू करने के लिए किसी से कांटेक्ट करती है। राजवीर दलजीत को बताता है कि शनाया उसकी दोस्त और पलकी की बहन है, लेकिन शौर्य एक अमीर लाड़ प्यार वाला लड़का है। दलजीत ने राजवीर और दूसरे लोगों को आश्वासन दिया कि शौर्य एक अच्छा लड़का है जो पूरी तरह से शनाया से प्यार करता है और वह उसे अपना प्यार पाने में मदद करेगा। गुरप्रीत का दावा है कि दलजीत ने पैसों के लिए शौर्य की गलती को नजरअंदाज कर दिया है। प्रीता कहती है कि दलजीत सही है और यह शानदार खबर है, इससे सभी को उसका जश्न मनाना चाहिए। निधि अगली सुबह करण और ऋषभ को नाश्ते के लिए बुलाती है और प्रथम को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। करण ऋषभ को सूचित करता है कि वह उनके साथ ऑफिस में शामिल नहीं होगा और प्रथम के साथ जल्दी से चला जाता है, जो काम के बोझ के बारे में रोता है। करण और ऋषभ द्वारा उसकी उपेक्षा करने के बाद निधि हर चीज के लिए प्रीता को दोषी ठहराती है। सृष्टि ने पलकी का नाम अपनाने के लिए राजवीर को ताना मारा और प्रीता को सुझाव दिया कि उसके पास लव रिया है। सृष्टि स्पष्ट करती है कि प्रीता उसके लिए उसका मतलब मलेरिया है, जो कि भ्रमित नजर आता है।